असलाट फांस में लेक्चर नाइनटीन पिछले लेक्चर्स में हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हाउनिंग इशूज और रेजेज कैपिटल और कौन से सोर्सेज हैं उनकी बात हमने की और उसके बाद हम एक जो रेट था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसकी तरफ बात कर रहे थे तो उसकी तरफ मूव कर रहे थे उस डायरेक्शन में हमने डिफरेंट सोर्सेज कवर अप किए कि कैपिटल जो है वो किस सोर्सेज से किन सोर्सेज से कंपनी जो है वो जनरेट करती है अपना रेस करती है उसमें हमने शेयर्स की बात लोन्स की भी लेस की बात की थी एक और सोर्स भी है जो कि विच इज नोन एज वेंचर कैपिटल चर कैपिटल बेसिकली इंडिविजुअल्स होते हैं या कोई पर्टिकुलर फर्म्स होती हैं जो प्राइवेट कैपिटल्स के साथ होती हैं और वो जो है वो ऑफर करते हैं अपना कैपिटल इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट इक्विटी तो ये जो भी बिजनेस मैन हुर इन सर्च ऑफ फंडस जो कि फॉर एग्जाम्पल बैंक से नहीं जा सकते बैंक लोन्स नहीं ले सकते बिकॉज बैंक नीड फिजिकल कुलटरल्स या वो आई पी ओज या पब्लिक सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते या वो फॉर्मेलिटीज़ को नहीं पूरा कर सकते तो वेंचर कैपिटल जो है वो कुछ फर्म्स होते हैं या इंडिविजल्स होते हैं हैविंग मनी तो वो दे ऑफर देयर मनी इन रिटर्न फॉर एयर स्टेक इन मैनेजमेंट नॉर्मली यही होता है कि वो मैनेजमेंट में जो है वो शेयर करते हैं डे टू डे जो बिजनेसिस uh, होती हैं जो पॉलिसीज होती हैं डिसीजन मेकिंग जो होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें एज सच कोई कुलटरल रिक्वायर्ड नहीं होता जो ओनर होता है जो ओरिजिनल ओनर होता है बिजनेस का उसको एक शेयर जो है अपने प्रॉफिट का वो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है उनको पे करना पड़ता है नॉर्मली ये जो वेंचर कैपिटल जो है सोर्स ऑफ से कैपिटल रेजिंग इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन क्योंकि एक तो वो प्रॉफिट में शेयर करते हैं चूंकि वो बीइंग बींग पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट दूसरी ये भी एक उसमें बात होती है कि चूंकि ओरिजिनल ओनर जो होता है उसको एक शेयर देना पड़ता है वेंचर कैपिटलिस्ट को तो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर उसमें ये भी आती है एक और जो होता है इशू इसमें कि चूंकि ये बड़ी लिमिटेड सी मार्केट है दिस इज नॉट वेरी पॉपुलर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये शेयर एंड मैनेजमेंट या ये ये शेयर एंड प्रॉफिट की बात आ जाती है ये, उस ये जो चीज़ है ये इसको लेस एट्रैक्टिव बना देती है लिमिटेड मार्केट्स ये है कि चूंकि ज्यादातर लोग जो हैं लोग जो हैं वो बिजनेस मैन जो हैं वो लोन्स या दूसरे से अपना फंड्स रेज कर लेते हैं तो जो बहुत ही आई I मीन mean, ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको कोई और सोर्स नहीं मिलता उनके लिए ये आखिरी एक सोर्स रह जाता है कि वो वेंचर कैपिटलिस्ट को यूज कर ले क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती इसलिए ये एक सोर्स इजी बन जाता है उनके लिए इनको अवेल करना ऑल लोगे इसकी बड़ी ड्रॉबैक्स uh, हैं और बड़े इसके से एडवांटेजेस हैं लेकिन ये है कि वन समन एज स्टार्टअप उसके लिए एक सोर्स डेफिनेटली जरूर है ये दूसरी बात यह है कि वेंचर कैपिटल जो है बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन मार्केट होती है और ज्यादा इसमें जो काम होते हैं वो आपके रेफरेंसेस पे हो जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है वो ना सिर्फ अपना फंड्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है बल्कि उसके पास एक्सपर्टाइज भी होती हैं एक्सपर्टाइज इन सेंस के वो उसके पास एक्सपीरियंस होता है बिजनेस मैनेजमेंट का चूँकि वो पहले भी किसी उसका काम ही ये है कि फंड्स प्रोवाइड करना है तो वो डेफिनेटली uh, डिफरेंट उसके पास इंडस्ट्री के डिफरेंट कंपनीज के साथ काम करने का उसका एक्सपीरियंस होता है एंड वन कैन यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस एज वेल तो दूसरी बात इसमें ये है कि uh, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं बेसिकली वो फाइनेंशली चूँकि स्ट्रॉन्ग होते हैं और सबसेक्वेंटली वो जो है वो फंड अगर उनको चाहिए होता है तो वो रेज कर सकते हैं अपने बिहाफ पे वैसे तो वो उनको ज़रूरत नहीं होती लेकिन अगर सब्सिक्वेंट जरूरत पड़ जाए फर्दर कैपिटल की तो वो अपने सोर्सेज से जनरेट कर सकते हैं वेदर दे पुट देयर ओन मनी और दे आई मीन रेज थ्रू डिफरेंट अदर सोर्सेज लाइक बैंक्स एंड लोन्स एंड ले और दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप वेंचर कैपिटलिस्ट का एक सिलेक्शन कर रहे होते हैं व्हेन यू आर लुकिंग फॉर इट तो डेफिनेटली आप उसकी एक्सपर्टाइज देखेंगे आप उसके कनेक्शन देखेंगे उसकी चूंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि दिस इज इंट्रोडक्शन मार्केट तो आप ये भी देखेंगे कि उसके पास क्या एक्सपीरियंस है क्या उसका सक्सेस रेट है इन द पास्ट एंड द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू हैव एन एग्ज पॉलिसी और स्ट्रैटी के वेंचर कैपिटलिस्ट जो होगा वो कितने अर्से तक आपके साथ रहेगा और कितने अरसे के बाद वो एग्जेट करेगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी जो हैं वो बहुत जरूरी हैं तो ये एक और सोर्स था वेंचर कैपिटल का जो कि ऑल दो के इट्स नॉट वेरी पॉपुलर बट येट इट्स ए सोर्स ऑफ फंड रेजिंग तो आगे मूव करते हैं अपने टॉपिक में हम आ, बात कर रहे थे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की उसमें हमने इक्विटी का देखा कि हम इक्विटी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं वी कवर्ड दिस इन आर प्रीवियस लेक्चर एंड टुडे वी शैल टेक अप कॉस्ट ऑफ डेट के हम डेट की कॉस्ट किस तरह निकालते हैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन इसमें कर दूं कि हम वेट जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को की हम कॉस्ट को वर्कआउट करेंगे और उसके बाद उनका जो वेटेज है टोटल कैपिटलाइजेशन में वर्कआउट कर तो फिर एक रेट की तरफ हम मूव मूव करेंगे अब डेट में देर आर डिफरेंट आई मीन क्लासेस अंडर डेट इमरेला फॉर एग्जांपल कि हम बॉन्ड्स भी डेट में आ जाते हैं लोन्स और लीजिस भी डेट में आ जाएंगी तो इसलिए जरूरी है कि जब हमारे पास डेट में डिफरेंट सोर्सेस हैं तो हम हर इंडिविजुअल सोर्स का जो कॉस्ट है हम वो वर्कआउट करेंगे पहले तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट में बॉन्ड्स आ जाते हैं आपको पता है कि आई मीन बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज इशूड बाय द कंपनी टू रेज इट्स कैपिटल और उसमें ये होता है कि बॉन्ड्स पे दो तीन चीज़ें जो हैं वो प्रमिनेंट होती हैं फॉर एग्जाम्पल एक तो उसका मचोरिटी पीरियड होता है बॉन्ड्स आर इश्यूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से टेन ईयर ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेकिन वट एवर द डूरेशन इज बॉन्ड्स आफ्टर द मचोरिटी डेट है वो रिडीम कर दिए जाते हैं कंपनी जो है दैट पेज बैक टू द इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स को अपना प्रिंसिपल मिल जाता है प्लस ये है कि इस मैच्योरिटी के दर, इस ड्यूरेशन के दौरान कंपनी जो है दैट अंडरटेक्स टू पे इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एश्योरेंस के एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बॉन्ड के ऊपर जो है वो पे किया जाता है कूपन जो रेट होता है अब एक कंपनी के पास जरूरी नहीं कि एक ही इशू हो बॉन्ड्स का इट मे हैव टू थ्री फोर फाइव और सेवरल बॉन्ड इश्यूज हैविंग डिफरेंट मचोरिटी डेट्स हैविंग डिफरेंट ड्यूरेशन और टर्म एंड कंडीशन उनकी डिफरेंट हो कुछ हो सकता है उसके बॉन्ड डिस्काउंट पे गए हों कुछ प्रीमियम पे आ रहे हो दे मेक्सअप हो सकती है चीजें कि एक बॉन्ड का इशू नहीं है डिफरेंट इशूज हैं बहुत ज्यादा इशूज हैं इस में वी हैव टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ डेट फॉर बॉन्ड्स बॉन्ड्स की ओवरऑल एक फिगर पे हम किस तरह पहुंचेंगे वी हैव डिफरेंट इश्यूज डिफरेंट इश्यूज में डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है और उसको हम जो है वो एक इंटरेस्ट रेट पे लेके आएंगे इसी तरह जब हम लोन्स की बात करेंगे तो वी मे हैव हैव डिफरेंट डिफरेंट कंपनी मे लोन्स और उसकी डिफरेंट प्राइसिंग हो सकती है तो उसको भी हम लोन्स की भी एक कॉस्ट जो है एक इंटरेस्ट रेट जो है या कॉस्ट ऑफ लोन्स या कॉस्ट ऑफ लीज या कॉस्ट ऑफ डेथ जो है वह वर्कआउट करेंगे अब इसमें एक चीज मैं आपको बताता चाहू कि हम इसमें एक और इशू जो है वो कंफ्रेंट से कंफ्रेंटेड है वेदर टू यूज मार्केट वैल्यूज और बुक वैल्यूज ऑफ डेट देखें इसमें हम जो बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं इसमें हम बात करेंगे मार्केट वैल्यू की कि मार्केट वैल्यू जो है उसको हम यूज करते हुए अपना जो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड है या कॉस्ट ऑफ डेट है वो वर्कआउट करेंगे बिकॉज जो बुक वैल्यूज होती हैं वो हिस्टोरिकल वैल्यूज होती हैं जिस तरह द वेरी फर्स्ट बिगनिंग मैंने आपको बताया था कि जो बुक वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती करंट जो इकोनॉमिक कंडीशन या बिजनेस इन्वायरमेंट होता है सो दैट्स वाई वी नॉर्मली यूज मार्केट वैल्यूज बिकॉज जो भी इस वक्त रिस्क और रिटर्न का सूरत हाल है मार्केट में दैट इज बींग रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस जो भी आपका बॉन्ड है जो भी जो भी बॉन्ड की वैल्यू इस वक्त है वो रिफ्लेक्ट करती है उसमें जितना भी रिस्क है और जितना भी उसका रिटर्न है सो दैट्स वी यूज मार्केट वैल्यू टू वर्क आउट द एवरेज कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स तो इसमें ये देखते हैं जी कि हम जो भी जितने भी हमारे पास इश्यूज होंगे बॉन्ड के उन सब बॉन्ड्स की हम वेटेज को वर्कआउट करेंगे और उनकी जितना िटी जो कि करंट मार्केट जो रिक्वायर्ड uh, रिटर्न है उसके ऊपर हम जो है उसको मल्टीप्लाई करके तो उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट रेट कैल्कुलेट करेंगे एंड देन वी विल एड अप टू रीच एट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स इसको लेट्स डू इट थ्रू एन एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है उसको देखते हैं आप ये देख रहे हैं एक स्लाइड आपके सामने है इसमें हमारे पास वी हैव से फोर डिफरेंट इश्यूज ऑफ बॉन्ड्स वी हैव फॉर एग्जांपल दो जो कि अपथेटिकल हमने नाम रखे हुए हैं इशूज के फॉर एग्जांपल इट्स डी एफ आर एन टी दीज आर फोर बॉन्ड इश्यूज जो के कंपनी ने किए हैं फंड रेजिंग के लिए ना वी कैन सी द सेकेंड कॉलम इज बुक वैल्यू दिस इज द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो कि कैपिटल आपने रेज किया था यह उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है बुक वैल्यू जो है फॉर एग्जाम्पल जो डी इशू था उसमें हमारे पास जो बुक वैल्यू थी उसकी दैट वॉज से फाइव हंड्रेड मिलियन एंड एफ वॉज फोर नाइंटी सिक्स मिलियन डी आर वॉज टू हंड्रेड मिलियन एंड टी वॉज टू नाइनटी सेवन मिलियन नाव फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि इस बुक वैल्यू की वेटेजेस वेटेज कैलकुलेट करते हैं फॉर एग्जांपल जो डी इशू है हमारा बॉन्ड्स का दैट इज अराउंड 33 परसेंट और वन थर्ड ऑफ द टोटल कैपिटल इशूड थ्रू द यूज ऑफ बॉन्ड्स अगर आप इसमें देखते हैं एफ को तो ऑलमोस्ट ये उसी वेटेज पे है थर्टी समथिंग आ जाएगा तो इतना डिफरेंस भी नहीं है फाइव उसमें कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है दैन वी इज़ 13% ऑफ द टोटल बॉन्ड इशुएंस एंड टी इज 20% तो ये ये वेटेज जो है ये बुक वैल्यू पे है नाउ द नेक्स्ट कॉलम होस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्डस कि इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है इन बॉन्ड्स की जो कि आपको फोर्थ कॉलम में नजर आ रही है फाइव हंड्रेड है और जो एफ है दैट इज से फो फोर्टी आर इज टू एंड टी इज टू सो डिफरेंट आपने देखा कि जो बुक वैल्यू है और जो मार्केट वैल्यू है उसमें डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस जिस तरह मैंने आपको बताया कि कई बॉन्ड्स जो हैं वो दे माइट बी सेलिंग ऑन प्रीमियम एंड द अदर वन ऑन डिस्काउंट तो उस वजह से मार्केट वैल्यूज में जो है वो डिफरेंस आएगा बुक वैल्यू से अब नेक्स्ट कॉलम जो है इस स्लाइड में वो उसमें हमने जो वेटेज वर्कआउट किया ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू तो मार्केट वैल्यू में आप देख रहे हैं कि जो डी है दैट इज 35 परसेंट एंड एफ इज डाउन टू 31 परसेंट देन आर इज स्लाइटली ओवर 13 परसेंट जो क्या फोर्टीन परसेंट हो चुका है और टी जो है वो दैट इज 20 परसेंट तो ये हमारे पास दो सेट आ गए एक हमने वेटेज वर्कआउट की मार्केट वैल्यू पे एंड द अदर वन ऑन द बुक वैल्यू अब यील टू मेच्योरिटी येल टू मेचोरिटी यही है कि जो इस वक्त रिक्वायर्ड रिटर्न है बॉन्ड्स पे वो जो मार्केट रिटर्न मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो दैट इज नोन एज यू मच्योरिटी तो हम ये येल टू मैच्योरिटी को कैलकुलेट करेंगे इसको अंडर कंसिडरेशन रखेंगे जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है उसको वर्कआउट करने के लिए तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम बुक वैल्यूज से जो वेटेज है बुक वैल्यू की कॉलम थर्ड में उसको अगर मल्टीप्लाई करें येल टू मेच्योरिटी का विच इज 6.24 पॉइंट टू फोर फॉर बॉन्ड टाइप डी तो जो उसका बुक वैल्यू पे वेटे जाएगा टू पॉइंट ओ नाइन और अगर मार्केट वैल्यू पे करेंगे तो वो हमारे पास टू पॉइंट वन एट आ रहा है देखिए हम यहां पे कूपन रेट जो है वो इंटरेस्ट का वो यूज नहीं कर रहे जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड्स पे जो एज पर बॉन्ड्स के टर्म्स के मुताबिक है उसको हमने यूज नहीं किया हम मार्केट रेट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है करंट रिस्क का उसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे विच इज टू मेच्योरिटी और हम बुक वैल्यूज और मार्केट वैल्यूज के ऊपर उसकी वेटेज को वर्कआउट करते हैं सो so, अगर आप यील टू मच्योरिटी को बुक वैल्यू की वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये जो सेकंड लास्ट कॉलम है उसमें वैल्यूज मिल जाएंगी और अगर आपने मार्केट वैल्यू के साथ यील टू मच्योरिटी को मार्केट वैल्यू की परसेंटेज या वेटेज के साथ अगर वर्कआउट करना है तो आप उसको यील्ड टू मच्योरिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ यू कैन सी के वी हैव आई मीन डिफरेंट टोटल्स राइट अंडर द लास्ट टू कॉलम्स जिसमें के वेटेज हमने वर्कआउट किए अब ये देखें कि बुक वैल्यू के हिसाब से जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ बॉन्ड है दैट इज 7.42 परसेंट और अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से बात करेंगे तो वो 7.37 परसेंट है ऑल दो देर इज नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू आई मीन कैलकुलेशंस लेकिन उसकी वजह ये है कि मार्केट वैल्यूज और बुक वैल्यूज में हमारा जो फर्क है वो कम था कोई इतना ज्यादा नहीं था हमारा मार्केट वैल्यू के मुताबिक जो हमारा बॉन्ड की जो टोटल अमाउंट थी दैट वाज 1436 थर्टी सिक्स एंड बुक वैल्यू के हिसाब से वो 1493 थ्री थी तो उसी उस वजह से ये जो डिफरेंस है आपका जो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड की बात हम कर रहे हैं वो आपको ज्यादा नज़र नहीं आ रहा उसमें कोई ज़्यादा गल्फ नहीं है 7.42 एंड 7.37 तो इस तरह वी वर्क आउट द

लेक्चर एज वेल लेकिन हमने वहां पे इसको बड़ा थोड़ा कॉम्पैक्ट सिनारी में देखा था अब वी शेल टेक अप दिस इशू इन डिटेल देखिए टैक्स जो है वो एक आई मीन आउटफ्लो है इट्स एन एक्सपेंस और टैक्स जो है आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉफिट पे चार्जेबल होता है आपकी आई मीन सेल्स पे नहीं होता तो इनकम टैक्स की बात हम कर रहे हैं ये आपके इनकम पे या प्रॉफिट पे होता है अब जब हम इनकम को डिटरमिन कर रहे होते हैं तो इनकम जो है विच इज टैक्सेबल इनकम वो क्या होती है कि आप जो अपने रेवन्यूज होते हैं उनमें से डिडक्ट करते हैं तमाम ऐसे एक्सपेंसेस जो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं अब हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे अब इंटरेस्ट जो है दिस इज ऑल्सो अ टैक्स डिडक्टेबल रिमेंबर स्टूडेंट्स कि डिविडेंट जो होते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते लेकिन जो आप इंटरेस्ट लेते हैं जो लोन लेते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस अब जब भी हम बात करेंगे लोन्स की बात कर रहे हैं या बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं या लीसेस की बात करेंगे हम तो डेफिनेटली हमें उसमें से जो टैक्स का एक एलिमेंट है जो टैक्स सेविंग है वी हैव टू कंसिडर दैट क्योंकि टैक्स रेट जो होता है नॉर्मली नॉर्मली ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है हैंडसम होता है टैक्स रेट प्रॉफिट्स का नॉर्मली आप ये देखें कि एवरेज अगर आप देखें तो इट्स बिटवीन 30 टू 40 परसेंट ऑफ द टोटल प्रॉफिट सो दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर द टैक्स इफेक्ट ऑन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं आप स्लाइड पे देखें कि हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल सपोज वी बोरो से हंड्रेड थाउजेंड एट एट परसेंट इंटरेस्ट एंड द टैक्स रेट इज फोर्टी परसेंट हंड्रेड थाउजेंड पे अगर आपने लोन लिया अगर हंड्रेड थाउजेंड का एंड इंटरेस्ट विल बी एट एट परसेंट कम्स टू एट थाउजेंड अब टैक्स रेट जो है वो फोर्टी परसेंट है ये एट थाउजेंड जो है ये आप अपनी जो रेवेन्यूज़ है उसमें से माइनस करेंगे और जब आप ये माइनस करेंगे तो इट मींस के आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम होगी ठीक है कितनी कम होगी बेसिकली अगर आप ये देखें कि एट थाउजेंड का एक्सपेंस जो है आपका जो डिडक्टेबल है टैक्स का वो आपको आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है उसको फोर्टी तक रिड्यूस कर देगा इट मीन्स के आपकी टैक्स सेविंग जो है दैट विल बी एट थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी दैट कम्स टू थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड आप ये देख रहे हैं आपकी जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें हमने इसको वर्कआउट आउट किया कि एट थाउजेंड इन पॉइंट फोर ऑफ फोर्टी एस थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सो अगर एट थाउजेंड में से थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड आप निकाल लेंगे तो आपको जो नेट कॉस्ट इनकर हुई है इंटरेस्ट पे दैट इज 4,800, थाउजेंड विच इज आई मीन 8,000 थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड इज फोर अब अगर आप इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में कैलकुलेट करना चाहें तो 4800 डिवाइडेड बाय 100,000 करेंगे तो दैट कम्स टू 4.8 परसेंट इट मीनस के जब आप इंटरेस्ट लेते हैं तो उसमें से जो टैक्स रेट है वो निकाल दें तो बाकी आपका नेट जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बच जाता है इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप सेकंड लास्ट लाइन देखें कि हम वी हैव वर्कड आउट 4.8 परसेंट इन अ डिफरेंट फैशन व्हिच इज के आपका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 8 परसेंट एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस टैक्स रेट वन माइनस टैक्स रेट जो है वो इन दिस सिनारी जो हमारी एग्जाम्पल है वन माइनस पॉइंट फोर इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स सो पॉइंट सिक्स और सिक्सटी परसेंट ऑफ एट इज फोर पॉइंट एट परसेंट तो ये चीज जो है हमें ये जहन में रखनी है कि वेन एवर वी आर कैल्कुलेटिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी हैव टू टेक द आफ्टर टैक्स कॉस्ट आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो है वो ही हमारी जो है वो रेलिवेंट होगी और उसी के ऊपर हम अपने वैक को कैलकुलेट करें आगे चलते हैं लोन्स और लीजेस की बात करते हैं देखें कंपनी जो है वो उसके पास डिफरेंट लोन्स होते हैं हो सकते हैं अब मीन शॉर्ट टर्म लोन्स हैं लॉन्ग टर्म है मीडियम टर्म है देर ये भी प्रॉबिलिटी हो सकती है कि देर आर से सेवरेज लॉन्ग टर्म लोन्स टू थ्री फोर फाइव डिफरेंट टाइप्स और जो है वो डिफरेंट मचोरिटी वाली या डिफरेंट टर्म्स वाले लोन्स हैं डिफरेंट मार्कअप या इंटरेस्ट वाले लोन्स हैं उस सूरत हाल में भी हमें जो है वो एक रेट को वर्कआउट करना होता है जिस तरह हमने बॉन्ड्स की बात की इस तरह हम लोन्स की भी बात करेंगे लोन्स एंड लीजेस को मैं इकट्ठा ही जो है वो कवर अप कर रहा हूं बिकॉज बहुत सी चीजें इनमें से जो है वो कॉमन है थोड़ा फर्क जरूर है लोन्स एंड लीजेस में लेकिन ये है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस लेक्चर इनको मैं लोन्स एंड लीजेस को इकट्ठा ही कर रहा हूँ तो इसमें भी ये है कि अगर डिफरेंट लोन्स हैं और उनकी डिफरेंट प्राइसिंग है तो हमें एक प्राइस पे पहुंचना है कि लोन्स की कैटेगरी जो है उसमें से एक जो है वो वर्कआउट करना है कॉस्ट ऑफ लोन्स और इसमें भी आप ये देखें कि हमें जो इंटरेस्ट रेट है उसको इधर भी कैलकुलेट करना है जहां पे भी आ, हम बात करेंगे लोन्स की डेट्स की वहां पे आफ्टर टैक्स जो है वो कॉस्ट है वो हमें वर्कआउट करनी होगी आइए अब एक कॉम्प्रीहसिव एग्जाम्पल करते हैं जिसमें कि हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस होंगे ऑफ कैपिटल फंडिंग जो है और डिफरेंट जो हमारे पास सीनारियोज होंगे उसमें हम एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को किस तरह वर्कआउट करते हैं आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम जो है वो करते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन है क्वेश्चन चूंकि काफी इन डिटेल्ड है तो आपको पहले तो हमें क्वेश्चन को गो थ्रू करना है वॉक थ्रू होना है कि इसमें क्या क्या हमें दिया गया है और हमने किस तरह एक अप्रोच डेवलप करनी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ देखें हमारे पास आपको फर्स्ट कॉलम में जो नजर आ रही है वो सोर्सेज ऑफ कैपिटल फंडिंग इन डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉमन स्टॉक वी हैव वन मिलियन शेयर्स और बुक वैल्यू जो है इनकी नेक्स्ट कॉलम में जो दी है अंडर बी वी बी वी स्टैंड फॉर बुक वैल्यू तो उसमें टेन मिलियन टेन रुपीज का एक शेयर है तो वन मिलियन इंटू टेन एज टेन मिलियन ये उसकी जो है वो बुक वैल्यू है ना द नेक्स्ट कॉलम इज फॉर मार्केट वैल्यूज इस शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो अगर हम देखें तो हमें ये नीचे दी गई है मार्केट वैल्यू इसकी वो दैट इज 15 मार्केट वैल्यू पर शेयर इज 15, सो दैट्स वे द मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल इक्विटी इज से 15 मिलियन 1 मिलियन इंटू फिफ्टीन पर शेयर नाउ वी हैव बॉन्ड इश्यूज, बॉन्ड इश्यूज में हमारे पास देखें

वो हमने लॉस्ट कॉलम में अंडर इंटरेस्ट प्लेस किया हुआ है देन वी हैव प्रिफर्ड स्टॉक रेफरेंस शेयर हैं हमारे पास जो कि 100,000 हैं और इसका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज से 12 परसेंट उसके बाद हमारे पास लोन्स हैं वी हैव डिफरेंट टर्म लोन्स हैव लोन टर्म लोन वन टू थ्री एंड फोर और उसमें हमारे पास बुक वैल्यूज और मार्केट वैल्यूज हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक जैसी हैं इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंट प्राइसिंग है लोन्स की फॉर एग्जांपल टर्म लोन वन जो है उसकी प्राइसिंग एलेवन परसेंट है टर्म लोन फोर जो है वो उसकी ट्वेल्व परसेंट है तो डिफरेंट प्राइसिंग है इसकी अब नीचे हमारे पास फोर कंपोनेट हमने जूम किए हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के एंड देन वी हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अंडर दिस सोर्सेस व्हिच इज टैक्स रेट इज फोर्टी परसेंट लास्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर वाज वन पॉइंट फाइव सेवन एंड द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इज सिक्स परसेंट पा वैल्यू ऑफ द शेयर इज टेन एंड मार्केट वैल्यू पर शेयर इज फिफ्टीन ऑर्डनरी शेयर की जो हमें बताई गई है सो so, इसमें आप ये देख रहे हैं कि चार सोर्सेज हैं हमारे पास एक कॉमन स्टॉक या ऑर्डनरी शेयर्स का है देन वी हैव बॉन्ड इशूज देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स एंड द लोन्स एंड लीज़ेस तो ये चार हैं और हमें टैक्स रेट दिया गया है डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है अब यहां पे देखते हैं कि हम एक रेट किस तरह वर्कआउट कर सकते हैं सबसे पहले तो एक ये चीज नोट करें कि आपको बॉन्ड्स का एक रेट वर्कआउट करना है और लोन्स का एक रेट बिकॉज उसमें डिफरेंट इश्यूज हैं बॉन्ड्स के भी और लोन्स में भी हमारे पास एक से ज्यादा लोन्स हैं, तो उनका एक रेट वर्कआउट करना है तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हाउ वी टेक अप दिस इशू देखें मोरलेस क्वेश्चन वाला फॉर्मेट है वी हैव वही हमने फिगर्स जो हैं वो यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं वी एव जस्ट लॉग इन फिगर्स ओवर हियर और उसके बाद हमने जो एडिशनल काम किया है वो ये है कि वी वर्कड आउट द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ओवर बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यूज आप ये देखें कि हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्ड के इशू है उसमें जो टोटल बॉन्ड का हमारे पास मार्केट वैल्यू है दैट इज थर्टीन पॉइंट फोर वन नाइन मिलियन और जो बुक वैल्यू थी वो थर्टीन पॉइंट वन मिलियन के करीब थी तो उस पर हमने उनकी वेटेज को वर्कआउट किया और आगे अगर नेक्स्ट कॉलम में चलें तो उस पर हमारा जो वेटेज है वो मार्केट वैल्यू के बेसिस पे है अगर ये हम देखते हैं कि जो इशू हमारे पास आप ये देखें कि सेवन टू वन जो है इसका अगर बुक वैल्यू की बात करेंगे तो ये थर्टी वन परसेंट है ऑफ टोटल इशुएंस थ्रू बॉन्ड विच इज थर्टीन पॉइंट वन मिलियन और अगर हम बात करेंगे इसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो ये तकरीबन उसी रेट पे उसी रेंज पे है 31 परसेंट की रेंज में है तो इसमें भी चूंकि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में बहुत थोड़ा फर्क है इसलिए आपको वो 31 परसेंट ही नजर आ रही है इनफैक्ट अगर आप इसको डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज करेंगे तो जो आपको बुक वैल्यू है विच इज लेस देन से थर्टी जो कि थर्टी पॉइंट के, के करीब है इसी तरह हमने और भी जितने भी हमारे पास बॉन्ड्स के इश्यू थे उनकी हमने जो बुक वैल्यूज और मार्केट वैल्यूज की बेसिस के ऊपर हमने उनकी वेटेज वर्कआउट की है अब यह तो हमें पता चल गया कि हमने इनकी वेटेज किस किस तरह वर्कआउट करनी है नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड्स द सॉल्यूशन आप ये देखे कि जो इंटरेस्ट और टू मेच्योरिटी का कॉलम है वो उसी तरह एज इट इज जो कि क्वेश्चन में आपको दिया गया था और जो आपको नजर आ रहा था क्वेश्चन में नाउ मूविंग टू द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द कैपिटल विच इज कॉमन स्टॉक और उसकी हमने कॉस्ट को वर्कआउट करना एक कॉस्ट को राइट right? सो so, उसमें हम ये करेंगे कि डेविडेंट ग्रोथ मॉडल के, के थ्रू हम जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करेंगे देखें यहां पे फॉर्मूला जो है वो दिया गया जो ग्रोथ मॉडल का था कि जो प्राइस प्राइस नॉट इज इक्वल टू डी वन ओवर पी नॉट प्लस प्लस जी तो जो डी वन है दैट इज डी नॉट इनटू ग्रोथ रेट हमारे पास जो डिविडेंड पर शेयर था दैट वाज़ 1.57 एंड द ग्रोथ रेट इज 1.06 पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स परसेंट है वन पॉइंट जीरो सिक्स सो डी वन इज वन पॉइंट सिक्स सिक्स अब यहां पर डी वन को अगर डिवाइड करे मार्केट प्राइस हमें दी गई है प्राइस नॉट इज ट्वेंटी एंड ग्रोथ रेट इज जी सो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी हेयर ए कम्स टू सेवन सेवनटीन पॉइंट जीरो नाइन सेवनटीन पॉइंट जीरो नाइन है आपकी जो इक्विटी है उसकी कॉस्ट है

वो हमने मार्केट वैल्यू पे लिया है इसका यील टू मेच्योरिटी जो है वो 7.56 है और इसका मार्केट वैल्यू का जो वेट है दैट इज 31% तो 0.31 थ्री वन टू यील टू विच इज 7.56 पॉइंट दैट कम्स टू 2.34 अब ये देखें कि अगेन इन दिस एग्जांपल वी आर टेकिंग अप द मार्केट वैल्यूज मार्केट वैल्यूज की बात कर रहे हैं बुक वैल्यूज की बात नहीं कर रहे तो इसमें भी जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो भी एक मार्केट वैल्यू है एक मार्केट का मेजरमेंट है और जो हमने वेटेज वर्कआउट किया है वो भी मार्केट जो वैल्यूज हैं उनकी बेसिस पे हमने किए इसी तरह जो सेकंड इश्यू है हमारे पास बॉन्ड्स का उसका जो यील टू मेच्योरिटी और द करेंट मार्केट रिस्क एज से सिक्स मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट टू एट जो मार्केट वैल्यू की बेसिस पे वेटेजेस हमने वर्कआउट की है तो उसका आंसर जो, जो है वो हमारे पास इस कॉलम में जिसमें कॉस्ट ऑफ कम्पोनेंट का टाइटल दिया उसमें हमने लिख लिया अब आप ये देखें कि हमने हमारे पास इस तरह जो चार इश्यूज थे वी वर्कड आउट देयर इंडिविजुअल कॉस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वर्कआउट किया अब ये जो बॉन्ड्स का इनको अगर एड करें तो वो टोटल जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं उनका एक जो है वो रेट वर्कआउट हम कर सकते हैं बाई एडिंग टू पॉइंट थ्री फोर वन पॉइंट एट थ्री पॉइंट सेवन टू और वन पॉइंट फाइव सेवन इसको हम ऐड करें तो वी रीच एट सेवन पॉइंट फोर सेवन ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स हैं बॉन्ड जो इशू किए हैं हमने उसका ये एक से वेटेड एवरेज है उनके रेलेटि वेट के ऊपर ये डिपेंडेंट है ये रेट इसी तरह जब हम बात करते हैं आगे प्रीफर्ड स्टॉक की तो प्रिफर्ड स्टॉक में हमारे पास जो से शेयर्स थे हंड्रेड हंड्रेड थे और एक की वैल्यू जो है पर मार्केट वैल्यू जो है इस वक्त प्रेफरेंस शेयर की वो दैट इज ट्वेंटी फाइव एथ दैट कम्स टू टू पॉइंट फाइव मिलियन और उसके ऊपर ट्वेल्व परसेंट मार्कअप या इंटरेस्ट रेट है तो जो प्रिफर्ड स्टॉक है इनका अगर देखें तो जो कॉस्ट ऑफ दिस कॉम्पोनेंट इज द सेम ट मूविंग डाउन टू द लास्ट सेगमेंट विच इज लोन की हमारे पास वी है डिफरेंट लोन्स और उनकी चूंकि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक ही है सो so, उनमें वेटेज भी है वो एक जैसा ही आएगा अब ये है कि इसमें भी जो इंडिविजुअल कॉस्ट है उसको हमने वेटेज के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट के कॉलम में जो वैल्यूज आ रही हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह के हमने बॉन्ड्स को वर्कआउट किया है फॉर एग्जाम्पल के जो वन अगर आप फर्स्ट टर्म लोन में देख रहे हैं तो दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ से अलेवन जो कि इसका इंटरेस्ट रेट है मल्टीप्लाइड बाय 17 परसेंट जो कि वेटेज है टर्म लोन वन का टोटल लोन्स में से तो इसी तरह हमने इस इंडिविजुअल जो लोन्स थे उनका रेट कंपोनेंट का रेट वर्कआउट किया इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का एंड द उस सेगमेंट का जो रेट है दैट कम्स टू 18.86 परसेंट अब आप ये देखें कि हमारे पास चार कंपोनेंट और उन चारों कंपोनेंट का हमने एक एक रेट वर्कआउट किया है इन द फर्स्ट ये ये अभी इंडिविजुअल रेट्स हैं ये अभी हम वैक की तरफ नहीं जाएंगे द नेक्स्ट फेज जो है जो कैलकुलेशंस हैं दैट विल इंश्योर के हम एक रेट पे पहुंचेंगे ओवरऑल कॉरपोरेट इंटरेस्ट रेट जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अब यहां पे एक और कॉलम है हमारे पास आगे विच इज एंटाइटल्ड एज वेटेज ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट दो हैदर कॉलम्स एक बुक वैल्यूज पे है एक मार्केट वैल्यूज पे है अब आप ये देखें कि जो बुक वैल्यूज हैं वो प्रिफर्ड स्टॉक और लोन्स की बुक वैल्यूज और मार्केट वैल्यूज एक जैसी हैं और जो आपके कॉमन स्टॉक हैं और जो आपका बॉन्ड्स हैं उनकी मार्केट वैल्यूज और उनकी बुक वैल्यूज पे फर्क है अब ये है कि वेटेज को हमने दोनों पे हम दोनों कैलकुलेशंस को कॉन्करेंटली लेके चलेंगे सो so, अगर बुक वैल्यूज की बात आती है तो हमारे पास जो वेटेज है इक्विटी का बुक वैल्यू पे दैट इज थर्टी परसेंट और अगर मार्केट वैल्यू की बात करेंगे तो हमारे पास वेटेज आएगा थर्टी नाइन परसेंट इसको जरा देख लेते हैं हमारे पास जो बुक वैल्यू है अगर आप देखें तो बुक वैल्यू में टोटल कैपिटलाइजेशन जो है वो 32.8 मिलियन है और मार्केट वैल्यू जो है कैपिटलाइजेशन की दैट इज 38.119 मिलियन सो देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यूज एंड द मार्केट वैल्यूज फॉर दिस रीजन जो हमारे पास वेटेज आ रहा है कॉमन स्टॉक का वो उसमें भी आप फर्क देख रहे हैं नाइन परसेंट का डिफरेंस है बुक वैल्यूज दैट कम्स टू थर्टी परसेंट एंड मार्केट वैल्यू पे थर्टी हमारे पास बॉन्ड्स का जो बुक वैल्यू वेटेज है दैट इज फोर्टी एंड मार्केट वैल्यू पे जो है दैट इज थर्टी फाइव और नीचे दो जो आइटम्स है आप ये देख रहे हैं कि उनका जो वेट है वो बराबर है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यूज बराबर है यानी कि आप ये देख रहे हैं प्रेफरेंस शेयर जो है वो तकरीबन तो वो एट परसेंट और ट्वेंटी टू परसेंट के करीब जो है वो आपका जो है लोन्स का वेटेज है अब ये वेटेज इस वेटेज के ऊपर हम जो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स वर्कआउट किए हैं हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो वेटेज के मुताबिक उनका इंटरेस्ट रेट आ जाए आगे हमने वर्कआउट की हुई है चीजें वैक दो आपको कॉलम्स लास्ट नजर आ रहे हैं फर्स्ट इज बुक वैल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू के हिसाब से और मार्केट वैल्यू के हिसाब से अब आप ये देखें कि यहाँ पे जो इक्विटी है हमारे पास कॉमन स्टॉक है उसका अगर हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रही है मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो वेटेज है तो उसमें 6.73 आ रही है और बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो दैट कम्स टू 5.21 पॉइंट टू वन सो यहां पे आपको ऑब्जर्व आपने किया होगा डेफिनेटली कि यहां पे जो वेटेज का डिफरेंस था वो यहां पे भी जो है वो दैट इज क्लियर एंड दैट इज यू कैन ऑब्जर्व इट कि 5.21 और 6.71 इसमें जो फर्क आ रहा है दैट इज ड्यू टू वेटेज अब जब बात हम करेंगे बॉन्ड्स की तो उसके लिए हमें टैक्स एडजस्ट करना है रेट को ठीक हमारे पास जो आप देख रहे हैं 1.79 जो आ रहा है सेकंड लास्ट कॉलम में जो कि ये बुक वैल्यू के हिसाब से है तो अगर आप ये देखें कि इसमें जो भी टेज आया था हमारे पास फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू के हिसाब से सेवन पॉइंट फोर सेवन जो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट में बॉन्ड्स के सामने एक हमने वर्कआउट किया था रेट उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट फोर के साथ तो जो भी हमारे पास रेट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस टैक्स रेट के साथ और पॉइंट के साथ चूंकि हमने आफ्टर टैक्स यहां पर वर्कआउट करना है और टैक्स इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल है सो so ये आपके जो 1.79 या 1.58 की फिगर्स नजर आ रही हैं, इन सेकंड लास्ट एंड लास्ट कॉलम, दीज आर टैक्स एडजस्टेड इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें ये है कि जो 7.47 को हमने मल्टीप्लाई करेंगे आइदर इट्स फोर और पॉइंट थ्री फाइव वट द केस इज बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू से और जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वी शैल मल्टीप्लाई दैट बाई पॉइंट सिक्स जो कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ जो है वो इंटरेस्ट है तो हमारे पास जो बॉन्ड्स की आफ्टर टैक्स कॉस्ट आती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से दैट इज वन पॉइंट फाइव एट इसी तरह हमारे पास जो प्रेफर्ड स्टॉक है उसका ट्वेल्व परसेंट था रेट और उसको हमने मल्टीप्लाई किया एट के साथ पॉइंट जीरो एट है उसका वेटेज सो so, 0.79 जो है वो हमारे पास इसका इंटरेस्ट रेट आ जाता है और इसी तरह लास्ट में मॉड्यूल जो है वो हमारे पास था लोन्स का और लोन्स में भी दो आपको नजर आ रही हैं 1.43 और 1.23 पॉइंट डीज आर आल्सो टैक्स एडजस्टेड सो अब जो बॉटम लाइन है इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर बुक वैल्यूज पे कैलकुलेट करेंगे तो वो दैट कम्स टू 9.35 और अगर आप मार्केट वैल्यूज पे करेंगे तो टेक 10.32 आ रहा है आपके पास यहां पे भी अगर आप नोट करें तो एक परसेंटेज पॉइंट पूरा जो है वो डिफरेंस आ रहा है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि मार्केट वैल्यूज को ही वर्क कंसिडर करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्कआउट करने के लिए तो आपने ये देखा कि इट्स ए आई मीन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के जिससे हम गुजर के तो एक रेट पे पहुंचते हैं विच इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर इसी चीज को आप ये देखें एक चार्ट के जरिए से हम देख लेते हैं जो बुक वैल्यूज अभी हमने यूज किए हैं उसके मुताबिक जो वेट बन रहा है कॉमन स्टॉक का वो ये है कि जो उसका रेट आया था हमने कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट किया था 17.09 उसको हम उसके वेटेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये बुक वैल्यू का वेटेज है और इसके बाद जो 7.47 है बॉन्ड्स की बात थी इसको हमने मल्टीप्लाई किया पॉइंट से जो कि इसका वेटेज था और जो नेक्स्ट आपको एक इक्वेशन इसके साथ नजर आ रही है जो मल्टीप्लाई हो रही है वो वन माइनस फोर जीरो है विच इज द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ बॉन्ड इंटरेस्ट ये वन पॉइंट वन माइनस पॉइंट फोर ये आफ्टर टैक्स है इसके बाद आप ये देख रहे हैं प्रेफर्ड प्रेफर्ड स्टॉक का जो वेट है वो दैट इज ट्वेल्व इंटू जीरो पॉइंट जीरो एट और लास्ट में जो आपको लोन्स का नजर आ रहा है टेन पॉइंट एट सिक्स जो कि कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट है लोन्स का और इसका वेटेज वो वैल्यू के हिसाब से ट्वेंटी टू परसेंट था और आखिर में आपको वो सेम नजर आ रही है फ्रैक्शन के वन माइनस जीरो पॉइंट फोर ये भी आफ्टर टैक्स है तो ये वेटेज है जिसमें हमें जिस तरह के हमने वर्कआउट किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं अब ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है इसको आप ने देखा कि हमने कैपिटल बजटिंग में भी इस्तेमाल किया क्योंकि डिस्काउंट रेट होता है जिस तरह आपने सेंसिटिविटी एनालिसिस में पढ़ा था कि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनमें स्लाइट वेरिएशन जो होती है वो बड़ा मैग्नीफाइड जो है वो इफेक्ट है वो कर रही होती हैं फॉर दिस पर हम ये देखते हैं कि जो जो जिस तरह आपने ऑब्जर्व किया कि वॉज अ डिफरेंस बिटवीन द वैक वी वर्क आउट ऑन बुक वैल्यू बेसिस एंड द मार्केट वैल्यू बेसिस तो इट वॉज अ बिग डिफरेंस अगर ये फॉर एग्जाम्पल टेन ईयर्स के प्रोजेक्ट की बात हम कर रहे हैं तो वन परसेंट चेंज इन डिस्काउंट रेट कैन मेक द थिंग्स अप साइड डाउन उनको टर्न कर सकता है जो नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में नेट प्रेजेंट वैल्यू को लेके आ सकता है सो दिस इज मीन वेरी क्रूशियल स्टेप फाइल वी आर इवेल्यूएटिंग प्रोजेक्ट्स। तो कैपिटल बजटिंग में जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हम नॉर्मली कंपनीज होती हैं, वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे जो है डिस्काउंट कर रही होती है आपकी कैश लोस को तो बट आई एम ट्राइंग टू से इसके ये स्टेप uh, जो है जिसमें कि हम वैक को वर्कआउट करते हैं वुड बी हैंडल विद आई मीन ड्यू केयर एंड स्केल क्योंकि इसमें अगर आप गलती करेंगे डेफिनेटली आपका जो रेट आएगा वो गलत होगा और उस पर जो भी आप चीज़ डिस्काउंट कर रही होंगी या वेल्यूट कर रही होंगे तो वो दैट वुड बी मिसलीडिंग तो ये एक एग्जाम्पल और देखते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैपिटल बजटिंग में इसको हम एक और एंगल से देखेंगे किस तरह हम यूज कर रहे हैं एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि कंपनी इंटेंस टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट दैट विल यील्ड जील्डर टैक्स कैश फ्लो और सेविंग ऑफ फोर मिलियन एट द एंड ऑफ ईयर वन हा आफ्टर दैट डी सेविंग्स आर एस्टिमेटेड टू ग्रो एट सिक्स परसेंट यानी कि फोर मिलियन फर्स्ट ईयर के, के एंड पे है उसके बाद सिक्स परसेंट के हिसाब से ये ग्रो करेंगे द डेट इक्विटी रेशियो इज पॉइंट फाइव ये दिस इज वेरी ट्रैक 0.5 का मतलब ये होगा कि जो इक्विटी है दैट इज टू थर्ड और जो डेट है वो वन थर्ड है ठीक है डेट इक्विटी इट मींस के जो इक्विटी है दैट इज डबल देन द डेट ठीक है तो सो दैट्स व्हाई इट इज टू थर्ड एंड वन थर्ड और द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 25 परसेंट कॉस्ट ऑफ डेट इज अलेवन This project has the the same level of risk as the existing company business. Advise ज द the लेल ऑफ रिस्क एज दिजनेस एडवाइजनील वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्टीट आपको कॉस्ट कोई नहीं बताई गई आपको इस सीनारियो में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इतनी सेविंग होगी ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ये कॉस्ट ऑफ डेट है एंड दिस इज द टैक्स रेट अब इसको देखते हैं हम किस तरह वर्कआउट करते हैं फर्स्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप देख रहे हैं फॉर्मूला आपके जेहन में है कि हमारे पास टू थर्ड है इक्विटी और उसका रेट है ट्वेंटी फाइव परसेंट सो टू ओवर थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव प्लस वन थर्ड है इक्विटी जो वेटेज है उसका इंटू अलेवन परसेंट इज द इंटरेस्ट रेट एंड आफ्टर टैक्स जो होगा इसके लिए हमने वन माइनस प्वाइंट फोर की बात की है तो हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 18.86 आ गया अब इसी को हम यूज करते हुए अगर कॉस्ट की बात करें हमने कॉस्ट वर्कआउट करनी है तो हमारे पास 4 मिलियन कॉस्ट है सॉरी सेविंग्स हैं हमारी जो एनुलाइज है और ये 6 परसेंट के हिसाब से ग्रो कर रही है अगर हम 4 मिलियन को डिवाइड करते हैं वैक पे वैक माइनस जी पे यानी के एटीन आपकी सेविंग की है अगर तो आपकी कॉस्ट जो है वो इससे कम आ रही है अगर आपकी कॉस्ट जो है इस प्रोजेक्ट की वो अगर 31 मिलियन से कम है तो डेफिनेटली आपका ये प्रोजेक्ट जो है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर कॉस्ट थर्टी वन मिलियन से ज्यादा हो रही है तो डेफिनेटली दिस प्रोजेक्ट इज नॉट वर्थ अंडरटेकिंग। सो दिस इज अनदर यूज ऑफ वैक। इस तरह भी आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज कर सकते हैं कुछ और बातें हैं वैट के सिलसिले में कुछ इसके बारे में प्रीकाशंस हैं कुछ और बातें हैं इनशाला वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मैं आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूं इसी जगह से ट्वेंटी लेक्चर शुरू करेंगे अल्लाह हाफिज